करनाल नगर निगम के आयुक्त राजीव मेहता द्वारा विकास सदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत करनाल में होने जा रहे विकास कार्यों का विस्तार से विवरण दिया। उन्होंने कहा, करनाल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, अगले 2-3 महीनों में नागरिकों को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर काम होते नजर आएंगे। इसके तहत मुगल केनाल फेज 2 की फाइनेंशियल बिट करीब एक पखवाड़े में खुलने जा रही है, जो स्मार्ट सिटी के एबीडी अर्थात 720 एकड़ के एरिया बेस्ट डेवलपमेंट का एक मुख्य भाग है। एबीडी में कुल 40 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिन पर केंद्र व राज्य सरकार के बराबर अनुपात में 1022 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। दूसरी ओर पेन सिटी के तहत 17 परियोजनाओं पर काम होगा। आईसीटी सिटी सॉल्यूशन में 17 प्रोजेक्ट लिए जाएंगे, जिस पर 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल व 360 डिग्री पर घूमने वाले अत्याधुनिक कैमरे तथा ऑटोमेटिक डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो नगर निगम की सेक्टर 12 स्थित नई बिल्डिंग में रहेगा। नगर निगम के आयुक्त एवं करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव मेहता ने शहर में नगर निगम के ताले लगे टॉयलेट के बारे में कहा कि 3 टॉयलेट किसी भी विवाद के कारण बंद पड़े हैं, जिनका वह कोई जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि खराब पड़े टॉयलेट को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मल हो चुके प्रोजेक्ट में करण पार्क व करण ताल में संगीतमय फवारे, सीसीटीवी कैमरे तथा सिटी बस सर्विस शामिल है। प्रगति पर चल रहे 7 प्रोजेक्ट जो कुछ मुकम्मल भी हो चुके हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के नए भवन में कुछ कमजोर स्लैब को लेकर मुद्दा बन गया था, जिन्हें तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा और जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर के मुख्य चौकों पर नवीनीकरण तथा सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से पहले कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें 8-10 महीने तक केवल सर्वे ही चलता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नियुक्ति को लेकर भी कुछ समय लगा था, लेकिन सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। आप यहाँ आ जाए, आज सर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहेंगे कि लोगों के मन में धारणा ये है कि अब तक काम शुरू नहीं हो पाए, और आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किन किन मुद्दों को लेकर आपने की और क्या क्या मुद्दे काम है? यार मैं आज एक शोक सभा में गया था, मैं यही थोड़ा ब्रेक कर दूं, मुझे तो आज बड़ी अच्छी फीडबैक मिली वहाँ पे, मुझे बहुत सारे लोग आज मिले वहाँ जिन्होंने ये कहा कि आज अब दिल खुश होता है करनाल को देख के कि करनाल में काम जो है वो शुरू हो गए हैं, कम से कम शुरू हो गए हैं। और यही वहाँ भी यही बात चली कि स्मार्ट सिटी के जो कंसेप्ट है वो ये थोड़ा सा लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि उसमें एक कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेके ही वो स्मार्ट बनेगा टाउन, और वो नेचुरली जब सामने दिखने शुरू होंगे तो आएगा, क्योंकि पीछे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं। जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसका कैसे हम कह दें भी हमने कुछ किया है। लेकिन अब जैसे इंटरसेक्शन डिज़ाइंस हैं या रोड्स पे कुछ काम चल रहा है, रोड्स वाइडनिंग चल रही हैं, अमरुद की जो पाइप्स ले हो रही हैं, तो लोगों को दिखने लग गया है कि सचमुच स्मार्ट सिटी में अब इतनी लंबी लंबी जो स्टॉर्म वाटर लाइन्स जल रही हैं, आप सारे समझे कि वो पानी लेके जाएगी, पानी कहीं खड़ा नहीं होगा। सर पार्कों को लेकर हालत दयनीय बनी, अभी पीछे भी हमने दौरा किया था, खास करके जो मीरा घाटी जो ऐतिहासिक धरोहर है उस पार्क की हालत भी दयनीय है। कल अभी उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें वो हमने उसको स्मार्ट सिटी में ले रहे हैं जी, तो उसका दोबारा रेनोवेशन करेंगे, रेनोवेशन होगा। अभी टॉयलेट सारे वेस्ट पड़े हैं सर, टॉयलेट पर राम कथा सुना दी यार, बताइए जनता से यही अपील करूंगा कि आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं है। ये सहयोग तब देते हैं जब हम एक महीना 1.5 महीना कहते हैं हमारा सब सर्वेक्षण आ गया, तब तो सारे हमें सहयोग देते हैं, सारा साल सहयोग की जरूरत है। टॉयलेट्स के लिए, घर घर से कूड़ा के लिए, आप मेरे में अपना नंबर दे रखा है, आपको भी अब मेरा नंबर पता है, कृपया शिकायत मत करिए, उसकी फ़ोटो खींच के मुझे डाल दीजिए। कहीं लाइट नहीं जल रही, कहीं आपका कोई चौक जो है सफाई वाला आपके घर से कूड़ा नहीं उठा रहा है, कोई कूड़ा सेपरेट नहीं कर रहा है, कोई पार्क गंदा है, कोई टॉयलेट गंदी है, उसकी फ़ोटो खींच के डालिए। हम आपको पता नहीं है कटौती करते हैं हर ठेकेदार की, 5-5 लाख की हर महीने की कटौती हो रही है। ताले लगे हुए हैं कहीं पे,
ताने वो जो वो पुराना रोला है उस रोले को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो तीन पे लगे हुए हैं, वो तीन पे लगे रहे। सर पुरानी सब्जी सबसे ज्यादा समस्या जाम सब्जेक्ट मेरा नहीं है सर, आपकी तरफ से जाम सब्जेक्ट वो हम एनक्रोचमेंट हटाते हैं। सर पुरानी सब्जी मंडी को लेकर आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी वहाँ पर दोबारा से कब्जा जो है रेडी वालों ने फिर से जमा लिया है, क्या कुछ इस पे नया होने वाला है ये थोड़ा बता दीजिए। नहीं रेडी वालों को कंट्रोल करते हैं कि साइट खड़े रहे, क्योंकि ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आती है अपने भी हट जाए। सर स्मार्ट सिटी को लेकर क्या बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है जी वहाँ, यस आप देख लो जी जितना घर है उससे डबल इंक्रोचमेंट है जी मेरे पास, ये कोई सालों से ही है। आप मुझे खींच के भेजिए, उस पर नया एक्शन होता हूँ कहूँगा। तीन टॉयलेट करते हो, कौन कौन से टॉयलेट जो बंद पड़े हैं? आपने अपने जो निगम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी एक मैसेज डाल रहा प्रदीप जय को लेके, उसको सस्पेंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्या उसको सस्पेंड कर दिया गया? नहीं उसको कहा था सस्पेंड करेंगे, लेकिन अगले ने उसी टाइम जाके वहाँ बैरिकेडिंग कर दी, तो इतना तो सर वो कर अभी।